एक मिनट रुकिए, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं एल्बम कवर डिजाइन करूं जैगेड स्टोन के लिए, मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सिंगर? ये सच है, जैगेड स्टोन ने खुद ये रिक्वेस्ट की है। मैं तुम्हारे लिए कुछ विजुअल्स लाया हूं ताकि तुम समझ सको कि हमें क्या चाहिए। ये बिल्कुल भी जैकेट स्टोन मटेरियल नहीं लगता, ये तो परफ्यूम ऐड जैसा है। ये नए जमाने की नई इमेज है, मॉडर्न है अभी की। रियली? वाओ, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ और। सोचो मत, आजकल यही सब कुछ बिक रहा है। श्योर। और एक आखिरी बात मैरिनेट, हमें जल्दी है इसलिए तुम्हारा प्रपोजल शाम तक मिल जाना चाहिए, तो शुरू कर दो। हाँ ठीक है, ओके, बाद में मिलता हूँ। मेरी बेटी फेमस एल्बम कवर डिजाइनर है, तुम तो कमाल करने वाली हो मैरिनेट स्टाइल। बूया। जैकेट स्टोन अपना स्टाइल क्यों बदलना चाहता है? एक्स वाई का म्यूजिक तो बहुत ठंडा, बेजान और बहुत ही रेपिटेटिव होता है, जैकेट के बिल्कुल ऑपोजिट है वो। और ये जो मैंने किया है, ये तो मेरा भी स्टाइल नहीं है। तो फिर तुम ये क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा करने को कहा गया। मुझे लगता है तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहे। पर तुमने सुना ना मिस्टर रॉथ ने क्या कहा? कि इन दिनों बस यही बिक रहा है। लेकिन जैकेट स्टोन ने तुम्हें चुना तुम्हारी स्टाइल की वजह से। इतना प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर सकती। मैरिनेट फ्रांस की सुपर हीरो, इनोसेंट लोगों की रक्षक, पर इतना सा प्रेशर झेल नहीं पा रही। क्या हुआ उस जमीनी इंपल्सिव आर्टिस्ट को जिसने ये बनाया था? हाँ, लेकिन बात ये है, मैरिनेट अभी छोटी है जैक, वो टारगेट ऑडियंस को रिप्रेजेंट करती है, वो इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को लेकर आई है जैसा तुम चाहते हो। ये कुछ उस वाई जेड के कवर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैरिनेट बॉब की बात मत सुनो, क्या तुम कोई दूसरा बना सकती हो? यू नो जैकेट स्टाइल। हाँ क्यों नहीं, पर मुझे नहीं पता कि। मैरिनेट माई गर्ल, याद रखना जमीनी इम्पल्सिव कलाकार है। मुझे लगता है हमारा काम हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ जैसा चाहिए। मैरिनेट मेरे साथ आओ, डोंट वरी, तुम सिर्फ अपना बेस्ट दो हमें। और सबरीना उसकी डेप्यूटी होगी, क्या हमारे पास कोई और कैंडिडेट है? बोलो किम। कुछ नहीं, आई एम सॉरी, मैं वो बस में गला खराब हो गया। क्लोई फिर से खड़ी हो रही है, वो तब से रिप्रेजेंटेटिव है जब से हम केजी में थे। तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती? तुम बहुत अच्छी रैप बनोगी। नहीं कह सकती, मेरा ब्लॉग मेरा फुल टाइम जॉब है। तो मैं तुम सबको लंच तक का टाइम देती हूँ, डिसाइड करो कि किसे हिस्सा लेना है। बेहतर होगा तुम ये करो ही ना। हे गाइस, तो इस बार क्लोई ने तुमसे क्या कहा? क्या उसने कहा कि वो तुम्हें घूमने ले जाएगी? नहीं, उसने कहा कि वो सबको बता देगी मैं स्पाइडर से डरता हूँ। उसने कहा कि अगर मैं इलेक्शन में खड़ी हुई तो वो मुझे स्क्रैप बुकिंग क्लब से निकाल देगी, और तुम तो जानती हो कि मुझे स्टिकर्स, कलरफुल स्क्रैप पेपर चिपकाना कितना अच्छा लगता है। कैंडिडेट नहीं बना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या सोचती हो? एक्चुअली मेरे पास बहुत काम है। क्या कर रही हो? घोड़ी बेच के सोना? नहीं, पर ठीक है, अगर कोई नहीं खड़ा हो रहा तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। तो क्या कोई नया कैंडिडेट है जो क्लोई और सबरीना के खिलाफ लड़ना चाहता है? इसका मतलब क्लोई और सबरीना ही कैंडिडेट हैं। इसमें वोटिंग करने का कोई फायदा नहीं, तो क्लोई और मैं खड़ी होंगी। वंडरफुल, तुम लोगों को कैंपेन तैयार करना होगा और स्पीच भी, उसके बाद हम वोटिंग करेंगे। तो बताओ तुम्हारे कैंपेन में क्या बातें रहेंगी, कैसे रिप्रेजेंट करोगी? रिप्रेजेंट मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता मैंने अपने हाथ क्यों उठाए। यही बात है, आगे बढ़ने का मैरिनेट, तुमने दिल से बात की है, तुम दिल के सच्ची हो। थैंक्स। जब तुम जीत जाओगी तो क्या हमें कंफर्टेबल चेयर्स मिलेंगी ना? ये तो बहुत हार्ड है, मैं मुश्किल से बैठ पाती हूँ। एक घंटा बढ़िया। सबसे पहले हमें लाइब्रेरी में गाने सुनने की परमिशन मिलनी चाहिए। तुम जानती हो, पता नहीं। बिल्कुल चलेगा। एड्रियन, मैरिनेट को तुम्हारी वोट की जरूरत है। बिल्कुल, उसकी स्पीच पर डिपेंड करता है। अब तो कैंपेन पर काम करना ही होगा। मैंने देखा है कि मेरे डैड हर इलेक्शन में कैसे जीतते हैं, और मैं उनके कदमों पर ही चलने वाली हूँ, और मैं ही जीतूंगी। एक बेहतरीन कैंपेन के जरिए? कुछ भी, पॉलिटिक्स में जीतने का सीक्रेट एक ही है, ऑपोजिशन के इमेज को खत्म कर दो। नरम चेयर्स,
लाइब्रेरी में म्यूजिक और जुलिका के चॉइसेस। मैं सबके रिक्वेस्ट लिख रही हूँ। इलेक्शन स्पीच में मुझे ये सारी बातें कहनी है। मुझे तुम पर नाज है। मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छी क्लास रेप बनोगी। उन सबको भरोसा है कि मैं क्लोई को हरा दूंगी, एड्रियन को भी। तुम्हें ये पता है ना? मैरिनेट, बैटल शुरू हो चुकी है। क्यों, क्या हो रहा है? क्लोई ने पूरी क्लास को अपने कैंपेन लॉन्च पार्टी में बुलाया है। उसने जैकेट स्टोन को इनवाइट किया है। सच में? जैकेट स्टोन मेरा भी फेवरेट पॉप स्टार है। आई लव हिम। वो तो सबका फेवरेट होगा। उसका ऑटोग्राफ दिलवाकर वो सारे स्टूडेंट्स के वोट खरीद रही है। इतनी जल्दी ऐसा नहीं हो सकता। मैं वहाँ आ रही हूँ। तुम्हारे रिसर्च के लिए आज हम स्कूल में आलिया से मिलने वाले हैं ना? ओह नो, मैं लेट हो गई हूँ फिर से। ये शोर कैसा है? छिप जाओ टिकी। Come on, Max. Come on, Max. क्या क्या हो रहा है आलिया? Paris Ultimate Maker Strike 3 टूर्नामेंट के ट्रायआउट्स हैं। जीतने वाले दो स्टूडेंट्स को स्कूल की तरफ से भेजा जाएगा। एक्चुअली ये ट्रायआउट मैक्स के साथ पार्टनरशिप बनाने के लिए टूर्नामेंट खेल रहे हैं। मैक्स ही क्यों? क्योंकि वो अनबीटेबल है। वो एकदम जबरदस्त है। उससे ज्यादा एपीएम अब तक किसी को भी नहीं मिला। वो क्या होता है? एक्शन पर मिनट। ये टूर्नामेंट उसकी जिंदगी है। उसने पूरा साल इसको जीतने के लिए मेहनत की है। एड्रियन एक पॉइंट से नीचे। क्या हुआ मैक्स? बढ़िया एड्रियन, हम एक किलर कॉम्बो बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने मैक्स से ज्यादा स्कोर बनाया तो वो टूर्नामेंट में एड्रियन की टीम में होगा। मैक्स को कोई भी नहीं हरा सकता। मैक्स और एड्रियन दोनों बहुत तगड़े हैं। उन्हें हराना मुश्किल है। ये दोनों स्कूल की ड्रीम टीम है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जरा सोचो तो, मैं एड्रियन की टीम में। तुम पागल तो नहीं हो गई हो लड़की? ये स्कूल को रिप्रेजेंट करने की बात है, ना कि लव स्टोरी और रोमांस की। ये एक सीरियस काम है। सीरियसली आलिया, तुम्हें लगता है मैं इतना अच्छा मौका छोड़ दूंगी? ठीक है, तो हमारे पास दो चैंपियंस पेरिस टूर जाने के लिए तैयार। क्या मैं भी ट्राई कर सकती हूँ? देखो, लाइब्रेरी बंद होने में अभी 5 मिनट बाकी है। ये लड़की। एड्रियन का जॉयपैड। ये क्या मजाक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, तब तक जब तक उस प्लेयर के पास उसका स्पेशल मोटिवेशन ना हो। तुम्हारे रोबोट को लेकर बाकी रोबोट से लड़ना पड़ता है। हूँ, हर बार जीतने पर उसके आइटम्स मिल सकते हैं और एक्सपी गेन कर सकते हो, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। सुनकर लगता है जैसे तुम्हें बहुत सारा नॉलेज है। अब देखते हैं तुम मुझे हरा पाती हो या नहीं। सीरियसली, कोई इतना टाइम स्क्रीन के सामने कैसे बिता सकता है? हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। वाटर सर्कल प्लस हैवी किक और फ्लाइंग हाइपर स्टॉर्म, सुपर हिट कॉम्बो मैरिनेट स्टाइल। ये कैसे हो सकता है? उसने उसको हरा दिया? हरा दिया? उसने चकना चूर कर दिया। मैं हार मानता हूँ। मैं टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैरिनेट और एड्रियन। मैक्स रुको। देखो, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत बुरी तरीके से हार गया। तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ।
तो मैरिनेट डुपेंट चैंग और एड्रियन अग्रेस्ट हमारे फ्रैंकवा डुपोंट हाई स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे पेरिस अल्टीमेट मेगा स्ट्राइक 3 टूर्नामेंट में। तो मेरी नई पार्टनर, हम प्रैक्टिस पे मिलते हैं, ठीक है ना? बाय बाय। सी यू। देखो हम तुम्हें जीतना होगा, तुम स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हो ना कि एड्रियन के साथ वक्त बिता रही हो। एड्रियन। पता नहीं क्या ज्यादा अच्छा था, ये शो या फिर एड्रियन के बगल में बैठना। शायद तुम्हें उसे कॉल करके मूवी के लिए पूछना चाहिए। इससे मुझे याद आया कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है आलिया। मैंने गलती से लेडी बग वाला वीडियो तुम्हारे फोन से डिलीट कर दिया और जब मैं उसे ठीक करने गई तो तुम्हारा फोन डस्टबिन में गिर गया और अब उससे बदबू आ रही है। बहुत गंदी, सच में बहुत बहुत गंदी। I'm sorry, so 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 sorry। मैं जानती हूँ वो वीडियो तुम्हारे लिए कितना खास था, मैं बहुत बुरी दोस्त हूँ। चल लेडी, तुम्हारी गड़बड़ करने वाली हरकतों को कोई जानता है तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि मैं। तो इसका मतलब तुम नाराज नहीं हो? वैसे तुम्हें पहले ही मुझे ये बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि मैंने वो वीडियो तुम्हें दिखाने से पहले ही ब्लॉग पर अपलोड कर दिया। मैं कितनी लकी हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। अब सब ठीक हो गया है तो मेरे सरप्राइज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो या ना हो, लेकिन मुझे सरप्राइजेस पसंद है। ओके, वो थिएटर देख रही हो, वहाँ अंदर तुम्हारे लिए कुछ है, स्टेज पर। हेलो आलिया, राइट? पिछली बार मैं थोड़ी जल्दी में थी पर अभी टाइम है तो अगर चाहो तो लेडी ब्लॉक के लिए मेरा इंटरव्यू ले सकती हो। नहीं, सच में ले सकती हूँ, सच में ले सकती हूँ। बैठो। तुम मुझे जानती नहीं हो, लेकिन सच कहो ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल है। आलिया बहुत लकी है कि उसे तुम जैसी दोस्त मिली है। दिखाओ मुझे। ब्लॉग पर डालने के बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस वीडियो को तुम डिलीट कर दो।